हे फ्रेंड्स, आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और नेचुरल ब्यूटी का एक बहुत अच्छा संगम है। आज हम आए हैं गड़िया पहाड़ में। ये रायपुर जगदलपुर हाईवे पे है और कांकेर सिटी से बिल्कुल लगा हुआ है। ये राम वनगमन पथमार्ग सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पे एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। तो इस शिव मंदिर की पूजा करने के लिए आज हम आए हैं शिवरात्रि के दिन में। तो यहाँ एक छोटा सा मेला लगा हुआ है, तो चलिए चलकर देखते हैं। गड़िया पहाड़ जाने का रास्ता सिटी से लगा हुआ है। गूगल मैप में फीड गलत है रास्ते की, इसलिए आप गूगल फॉलो मत करिएगा, लोकल लोगों से पूछते हुए ही आगे बढ़िएगा। गड़िया पहाड़ का रख रखाव वन प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। तो पहाड़ में एंट्री से पहले एक चेक पोस्ट पड़ेगा जहां पे आपसे एंट्री फी ली जाएगी पर व्हीकल। गड़िया पहाड़ को आप दूर से भी देखकर पहचान सकते हैं। ये एक ऐसा पहाड़ है जो केवल चट्टानों से घिरा हुआ है और चट्टानों से बना हुआ है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे, व्यू और भी खूबसूरत होता जाएगा। हमने ऐसा सुना था कि गड़िया पहाड़ के ऊपर तक गाड़ी नहीं आती है, यहाँ ट्रैक करके आना पड़ता है, बट अभी तो पूरी ऊपर तक गाड़ी जा रही है और यहाँ से ना व्यू ऑन द वे बहुत अमेजिंग है। इस पहाड़ में ऊपर चढ़ते चढ़ते कई व्यू पॉइंट हैं जहाँ से आसपास के गांव और पूरी कांकेर सिटी और आसपास के हिल्स दिखते हैं। व्यू तो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, बट अभी हिल टॉप पर चलकर देखते हैं कि वहां से कैसा दिखता है। क्योंकि ये पहाड़ पूरा चट्टानों से भरा हुआ है, इसलिए फोटो शूट के लिए यहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे ही आपको एक बड़ा चट्टान दिखे, आप समझ जाइएगा मंदिर का एंट्री गेट आ चुका है। गड़िया पहाड़ श्री राम वनगमन पथमार्ग सर्किट का हिस्सा है। यहाँ पर एक शिव मंदिर है और आज हम आए हैं शिवरात्रि के दिन यहाँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा मेला भी लगा हुआ है, तो पहले मंदिर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं। यहाँ एक छोटा सा मेला लगा हुआ है जो आसपास के गांव से आए हुए लोगों ने मिलकर लगाया है। ये पूरा पहाड़ पत्थरों से भरा हुआ है, केवल बड़े बड़े चट्टानी है जिसे काटकर कुछ रास्ता बनाया गया है। यहाँ आने से पहले हमें भी इस जगह का ऐतिहासिक महत्व पता नहीं था, पर यहाँ पहुंचकर पता लगा कि ये पहाड़ में लगभग 750 साल पहले किला बनवाया गया था कंडरा डायनेस्टी के राजा धर्मदेव द्वारा। और इसके बीच में आज भी प्राचीन मंदिर है जिसके पुरानी मूर्तियों के अवशेष अभी भी आपको यहाँ दिखेंगे। मंदिरों को आज भी पुरातन स्टाइल में ही रखा गया है जिसमें द्वार बहुत ही छोटा होता है। मंदिर के पास में यज्ञ स्थल भी है, पास में ही कुछ अन्य मूर्तियों को जोड़ करके एक नवनिर्मित मंदिर बनाया गया है। मंदिर के परिसर से बिल्कुल लगा हुआ एक खूबसूरत तालाब है जिसमें पत्थरों की प्रतिमाएं ऐसी हैं जैसे वो शिवलिंग हो। यहाँ आप कई देर तक बैठकर सुकून के पल बिता सकते हैं। और ये जो चट्टान इस पूरे पहाड़ में दिखते हैं, किला उन्हीं से मिलकर बना था और इसे इसलिए ही ऐसा बनाया गया था ताकि पत्थरों और चट्टानों से बना हुआ किला अभेद रहे। आगे बढ़ने पर एक गुफा है जिसका नाम है छुरी पगार। यह गुफा आगे जा कर के भंडारी पारा गांव में खुलती है। दिखने में तो ये बहुत सकरी है, पर इसके अंदर 500 लोग आराम से जा सकते हैं। ऐतिहासिक खूबसूरती देखने के बाद देखते हैं कि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती कैसी है। यहां से आपको पूरी कांकेर सिटी दिखाई देगी।
शाम के वक्त यहाँ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा रिलैक्सिंग कुछ नहीं हो सकता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गड़िया पहाड़। यहाँ आने से पहले हमें भी नहीं पता था कि इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है, लेकिन अच्छा लगा जानकर। अगर आप जब भी गड़िया पहाड़ आते हैं तो आसपास और कुछ स्पॉट कवर करना चाहते हैं तो उसमें एक है मलाजकुंडम और एक है ओनाकोना। मलाजकुंडम एक ऐसा स्पॉट है जो आपको केवल मॉनसून सीजन में ही फ्लो में मिलेगा, वहां से दूध नदी का ओरिजिन होता है। और ओनाकोना ऐसी जगह है जो रिजर्वॉयर का पानी है, तो आपको ऑल सीजन वहां पे पानी मिलेगा, तो आप वहां भी जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी विथ अस ऑन आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।